सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनीता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स सुनी थिंग्स। तो आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, तो 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट आदिवासी हेयर ऑयल। पहला तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना, वो वीडियो प्रमोशनल था, ये वीडियो प्रमोशनल है। जिसको भी डाउट है वो जाके मेरा चैनल देख सकते हैं कि मुझे कितना सब्सक्राइबर्स है और मैंने कितने वीडियोज़ अपलोड किए हैं। क्योंकि अगर आपको प्रमोशंस मिलना है, अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर को अगर प्रमोशंस मिलता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोअर्स उनके अच्छे खासे होते हैं, अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया रहता है, तब जाके उनको मिलता है। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने जेन्युइनली वो प्रोडक्ट खरीदा था आदिवासी हेयर ऑयल 1600 रुपीज़ पे करने के बाद, ताकि मैं चाहती थी कि मैं यूज़ करूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम रहता है अपने बालों से। तो मैं चाहती थी कि मैं खुद उसको यूज़ करूँ, उसके बाद में जो भी मेरे जान पहचान वाले हैं या जिसको भी उसके बारे में जानना है, मैं उनको जेन्युइन रिव्यू दूँ, ठीक है। सो ये है वो बॉटल जो मैंने खरीदा था, ठीक है। ये जो बंदा आप देख रहे हो, तभी भी मैंने अपने वीडियो में दिखाया था इसके बारे में। आपको चाहिए तो मैं अपना लिंक जो है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। तो ये था वो बंदा जिनसे मैंने ख़रीदा था, इसका नाम डिटेल सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और मैं आपका इसका जो फ़ोटो है वो भी लेकर मैं यहाँ पर डाल दूँगी बॉटल का, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो बॉटल है मैंने ऑलमोस्ट उसको यूज़ किया है लाइक 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स का मतलब ये नहीं कि मैं हर दिन तेल नहीं लगाती थी इसको, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मैंने इसको ऑल्टरनेट डेज यूज़ करा है, और लाइक एक दिन छोड़ के एक दिन मैं यूज़ करती थी, और दिस नेक्स्ट डे उसको मैं वॉश कर देती थी मॉर्निंग में। उसके बाद में तो फर्स्ट वीक में मैंने नोटिस किया कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट जितना हो रहा था उससे ज़्यादा ही हो रहा था, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि शायद जब हम कोई भी प्रोडक्ट चेंज करते हो तो हो सकता है कि उसके वजह से हो रहा होगा, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। तो आफ्टर सेकेंड वीक में मैंने इसको 2 दिन छोड़कर लगाने चालू किया। दैट मीन्स वीकली 2 से 3 बार लगाती थी, बट मेरे हेयर फॉल पे कोई भी असर नहीं आया, मतलब इट वॉज़ द सेम, इनफैक्ट लिटिल मोर देन द प्रीवियस हेयर फॉल, ठीक है। उसके बाद में मैंने फिर भी इसको यूज़ करा, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है ना इसको टू सी द चेंजेस। तो इस तरीके से मैंने इसको 2 महीना यूज़ करा। तो इसके बाद में मैं इसके ऊपर आपको एक जेन्युइन रिव्यू देना चाहती हूँ, ताकि आगे जाके कोई लोग अगर लेते हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है करके। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत से लोग हैं जो ये तेल मेरे लेने के बाद बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था इसके बारे में कि आप आदिवासी ऑयल यूज़ कर रहे हो तो उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, क्या हम खरीद सकते हैं, क्या हम लगा सकते हैं, क्या आपके हेयर फॉल कम हुआ, क्या हेयर लेंथ बढ़ा, क्या ऐसे वगैरह वगैरह। तो सबको मैं एक ही चीज़ बोलती थी कि जस्ट गिव मी सम टाइम, मुझे यूज़ करने दो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी। देर इज़ नो पॉइंट कि आप 1600 रुपीज़ डाल रहे हो, बाद में आपको इफेक्ट उसका कुछ असर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मतलब नहीं है ना। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट 1600 रुपीज़ ऑल्सो, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने सबको यही कहा था कि गिव मी सम टाइम, लेट मी यूज़ इट, देन आई गिव यू रिव्यू। तो ये वीडियो मुझे ऐसा लगता है मुझे थोड़ा 1 महीने बाद ही बना लेना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एंड वेटिंग फॉर 2 मंथ्स दिस ऑयल। तो मेरा जेन्युइन रिव्यू यही है कि ये ऑयल मेरे हिसाब से कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ मनी है। प्लस ये मेरा, अगर आप देखोगे तो काफ़ी जगह से मेरे बाल जो है उड़ चुके हैं, काफ़ी जगह से, मतलब इतना वर्स्ट कंडीशन नहीं था मेरा बालों का, बट काफ़ी जगह से जो मेरे बाल है वो उड़ चुके हैं। तो मेरा जेन्युइन रिव्यू अगर आपको मैं बताऊंगी तो ये है कि प्लीज़ डू नॉट बाय दिस ऑयल, इट इज़ नॉट अबाउट 1600 रुपीज़। मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि 1600 रुपये हम दोबारा कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर बाल उड़ जाएंगे ना टकले पे से, तो वो वापस होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और आजकल मैं देखती हूँ एक चीज़ कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ डायरेक्टर्स जा रहे हैं इनको प्रमोट करने के लिए। तो मतलब ये चीज़ तो मुझे समझ आ ही जाता है कि ये जो टीवी स्टार्स हुए, डायरेक्टर्स हुए या इन्फ्लुएंसर हुए, फुकट में तो कोई नहीं जाएगा यार। 1600 रुपये के लिए कोई अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कोई अपना होटल स्टे ये सब डालकर तो जाएगा नहीं वहाँ पे। इसका मतलब ये है कि दे आर गेटिंग वेल पेड इन दिस, ठीक है। तो जिसके लिए वो लोग उसको प्रमोशन कर रहे हैं, और जितने भी इन्फ्लुएंसर को मैंने, मतलब तभी जिसका भी चैनल मैं फॉलो करती थी तब से लेके मैं आज तक देख
देख रही हूँ उनका वीडियोस, उनके बालों में तो मुझे कोई असर नहीं दिख रहा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मैंने किसी के बालों पे कोई असर नहीं देखा है. लोग बोलते कि हम लगाते, और ना ही कभी बोलते ना कि उनको लाइफ पे आके उन्होंने लगाया है उस चीज़ को, कभी नहीं देखा है ये सब चीज़ें. तो मैं यही बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि अगर कोई भी एक भी पर्सन है जो इन्फ्लुएंसर नहीं है, लेकिन अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है और उनको लगता है कि ये तेल उनके लिए इफ़ेक्टिव रहा है, उनको असर दिया है, उनको उनके बालों के लिए अच्छा रहा है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पर आके कमेंट करें और प्लीज़ लोगों को बताएं कि आपने ये ऑयल किस तरीके से यूज़ किया, या फिर कहाँ से लिया आपने ये ऑयल, और कौन से यू नो इनके बहुत सारे लोग हैं यार, एक बंदा नहीं है, इसके बहुत सारे बंदे हैं हिक्की पिक्की वाले जो आपको तेल बेचते हैं. और अगर आप भी आज आप देखोगे ना, एक दूसरे को ये लोग नीचा ही दिखा रहे, कोई बोलता है कि मेरा सही है, कोई बोलता है कि इसका सही है. सो ये तो अपना मुद्दा ही नहीं है. तो अगर आप लोग में से कोई है मेरा चैनल वीडियो देख रहा है अभी और आपको लगता है कि ये तेल जेन्युइन है और आपको असर दिखाया है, लाइक हेयर फॉल कंट्रोल किया है या आपके हेयर लेंथ को बढ़ाया है, जो भी है, तो प्लीज़ आइए नीचे कमेंट करें. हो सकता है कि शायद मुझे ये असरदार नहीं रहा हो मेरे लिए, हो सकता है किसी और के लिए रहा हो सकता है. सो आप लोग आइए, डेफिनेटली बताइए कि आपको ये तेल का असर कैसा रहा. वैसे ही अगर कोई है जो ये तेल खरीदना चाहता है, तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ मत खरीदिए. बिकॉज इसके बाद में मुझे एक चीज़ समझ आ गई है कि अगर आपको अपने बालों के लिए काम करना है, या आपके स्किन के लिए काम करना है, आपकी बॉडी के लिए काम करना है, आप क्या खाते हो क्या पीते हो ये मैटर करता है. ये जो तेल होता है ना, ये सिर्फ हमारे स्कैल्प को एक मसाज देता है, एक ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है. उसके अलावा अगर हमें हेयर फॉल हो, या हमारे हेयर ग्रोथ हो, या हमारे स्किन के लिए हो, अगर हम चाहते हैं कि ये कुछ चीज़ें यू नो हमारे लिए काम करें, तो वी हैव टू टेक गुड डाइट लाइक ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, और यू नो सम नट्स, जो भी है आपको ये सब करना पड़ेगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो मैंने पैसे डाले हैं, वो पैसे अगर मैंने कुछ अच्छा चीज़ खाने में डाला हुआ रहता, तो शायद मुझे अभी तक असर दिख गया होता. तो बस यही कहना चाहती हूँ कि इसको यूज़ करके अपने सर पे बच्चे कुचे बाल ना गिराए, और अगर कोई है जिन्होंने लगाया है और उनको अच्छा असर आया है, तो प्लीज़ आइए मेरे वीडियो में और कमेंट करके बताइए, ताकि लोगों को भी पता चलना चाहिए यार. जैसे हम अपना जेब का पैसा डालते हैं और दूसरे लोगों का प्रोडक्ट लेते हैं, वो तो अमीर होते जाता है, और हम ना हमें प्रोडक्ट का कोई फ़र्क मिलता है, और पैसा भी हमारा जाता है, प्लस जो हमारे बाल है वो भी जा रहे हैं, तो हमें कहीं से किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं हो रहा है. तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये बढ़ना नहीं चाहिए. पीपल शुड गेट टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, उनको पता होना चाहिए, एक अवेयरनेस होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट सही है या गलत है. सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.